मेरी वीडियोस नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि प्लीज जाके जरूर देख लें। आज हम लेकर आए हैं इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तानी एयरफोर्स। हालांकि इंडियन एयरफोर्स हमसे काफी ज्यादा आगे है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने देखा हुआ उनका। पाकिस्तान भी अपने वैसे तो डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसे लगाता है, तो उन दोनों का कंपेरिजन देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, देखते हैं। हे गाइस, वेलकम टू न्यूज टी कोड। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक बहुत फेमस लाइन बोला गया था, एयर सुपीरियरिटी इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मिलिट्री पावर। आज इस वीडियो में हम एक इनडेप्थ कंपैरिजन करेंगे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, और डिकोड करेंगे कि कौन से एयरफोर्स के पास एयर सुपीरियरिटी मौजूद है साल 2023 में, और कौन डोमिनेट करेगा आसमान को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगा। तो अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें, इंडियन एयरफोर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें लगभग 1,70,000 एक्टिव और 1,40,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 1,700 एयरक्राफ्ट भी है, जिसमें से लगभग 630 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि डसल्ट रफेल, Su-30 MKI, LCA तेजस, MiG-29, मिराज 2000, स्पेकेट जैगवर और MiG-21 पाइसन। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, तो पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया का आठवां सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें 70,000 एक्टिव और 8,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 810 एयरक्राफ्ट भी है, जिसमें से लगभग 455 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि J-10C, F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर, Mirage-3, Mirage-5 और F-7PG, जो कि चाइनीज कॉपी है MiG-21 का। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है सुखोई Su-30 MKI, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, और 260 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 40% है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है JF-17 थंडर, जो कि एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और लगभग 138 के नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 30% है। और अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें Su-30 MKI और JF-17 थंडर के बीच में, तो Su-30 MKI एक अलग ही लेवल का मशीन है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट JF-17 थंडर से 3 गुना ज्यादा है, और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जबकि JF-17 थंडर में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। और इसके अलावा Su-30 MKI प्लस 9G के लिमिट्स तक को सस्टेन कर सकता है, वहीं JF-17 थंडर सिर्फ प्लस 8G तक ही सस्टेन कर सकता है। और अगर वेपन कंपैरिजन करें Su-30 MKI और JF-17 थंडर का, तो Su-30 MKI में हाल ही में इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका रेंज 160 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें JF-17 थंडर का, तो उसका सबसे अच्छा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है PL-15E, जिसका रेंज 145 किलोमीटर है। और अगर Su-30 MKI के एयर टू ग्राउंड मिसाइल का बात करें, तो उसके लिए ये कैरी कर सकता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक का है। वहीं अगर बात करें JF-17 थंडर के सबसे अच्छे एयर टू ग्राउंड मिसाइल का, तो वो है चाइना का HD-1A, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर का है। और अगर Su-30 MKI के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें, तो उसके लिए इसमें लगा है देसी रुद्रम मार्क 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका रेंज 150 किलोमीटर का है। और अगर JF-17 थंडर के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें, तो इसमें लगा है चाइनीज LD-10, जिसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर का है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का, तो वो है डसॉल्ट रफेल, जो कि 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर जेट है, और आज के समय ये सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है,
जिसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसका आरसीएस भी काफी ज्यादा कम है और साथ ही ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की तरह सुपर क्रूज भी कर सकता है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का, तो वो है चेंगडू J-10C, जो कि 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। और ये पाकिस्तान के पास जो F-16 का वेरिएंट है उनसे काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन अगर रफेल से हेड टू हेड कंपैरिजन करें चेंगडू J-10C का, तो ये एयरक्राफ्ट रफेल के सामने नहीं टिक सकता। तो ओवरऑल अगर बात करें फाइटर जेट्स का, तो चाहे वो नंबर गेम हो या फिर टेक्नोलॉजी, दोनों ही मामले में इंडियन एयरफोर्स को आज के समय एज है और दोनों ही मामलों में इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स को। इसके अलावा अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का बात करें, जो कि किसी भी एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा होता है ताकि पायलट्स को अच्छा ट्रेनिंग दे सके और एक स्किल पायलट बना सके, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 350 से भी ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि पायलटस PC-7, पिस्टल, ATG गरुड़, HAL किरण, BAE हॉक और कुछ नंबर्स में MiG-29, स्पेक्टर जगुआर और MiG-21 का भी ट्रेनर वेरिएंट मौजूद है। और इसके अलावा हाल ही में 106 के नंबर में देसी STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया गया है। और वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जैसे कि काराकोरम K-8, T-37 ट्वीट और MFI-17 मुशशक। अब अगर बात करें गनशिप या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों ही तरह के गनशिप्स मौजूद हैं, जैसा कि अमेरिकन H-64 अपाचे, रशियन MI-24, स्वदेशी HAL प्रचंड और HAL रुद्रा, जो कि टोटल 57 के नंबर में है। और इसके अलावा एडिशनल 6 LCH प्रचंड और 50 रुद्रा का भी ऑर्डर दिया गया है। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें, तो इनके पास एक भी गनशिप्स या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी गनशिप है, बट वो एयरफोर्स के पास नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी के एविएशन कॉर्प के पास है, जिसको हम किसी और दिन इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प से कंपेयर करेंगे। तो गनशिप्स के मामले में भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से काफी ज्यादा आगे। इसके अलावा किसी भी एयरफोर्स में फाइटर जेट्स और गनशिप्स के अलावा सपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि अवैक्स, रिफ्यूलर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात करें अवैक्स का, तो ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स या फिर UAV को काफी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एयरक्राफ्ट फिर वो डेटा बाकी के फाइटर जेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये आसमान में कमांड एंड कंट्रोल का रोल परफॉर्म करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय 6 के नंबर में अवैक्स मौजूद है, जिसमें से 3 स्वदेशी नेत्रा अवैक्स हैं, जो कि एम्ब्रर 145 पे लगे हुए हैं, और इसके अलावा 3 इजरायली फाल्कन अवैक्स हैं, और इसके अलावा हाल ही में 6 के नंबर में नेत्रा मार्क 2 अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है, और साथ ही 2 के नंबर में फाल्कन अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो पाकिस्तान के पास 11 अवैक्स मौजूद है, जिसमें से 4 चाइनीज ZDK-03 काराकोरम ईगल है और 7 के नंबर में 7 2000 पे बेस्ड अवैक्स मौजूद है। यानी कि अवैक्स के मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से एक बेटर पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन ये भी एक टेम्पररी एज है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल अवैक्स का ऑर्डर दे दिया है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का, तो इंडियन एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में गल्फस्ट्रीम 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्लेम मौजूद है। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में फाल्कन DA-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। यानी कि इस डोमेन में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स बराबरी पे। और अगर बात करें रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट का, तो इंटरेस्टिंगली इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के पास ही IL-78 पे बेस्ड रिफ्यूलर्स मौजूद है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 रिफ्यूलर्स है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4 के नंबर में IL-78 रिफ्यूलर्स मौजूद है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट
एयरक्राफ्ट्स का जो कि बहुत अहम हिस्सा होता है ट्रूप्स इक्विपमेंट्स और लॉजिस्टिक्स को शॉर्ट टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि IL-76, बोइंग C-17, C-130J, सुपर हर्क्यूलिस, एंटोनोव AN-32, हॉकर सिडली HS-748 और डोनेर 228 एयरक्राफ्ट्स, और इसके अलावा एडिशनल 56 C-295 एयरक्राफ्ट्स भी ऑर्डर दिए गए हैं जो कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें तो इनके पास सिर्फ 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिसमें है C-130J हरक्यूलिस, Saab 2000, CN-235, Y-12, बोइंग 707, गल्फस्ट्रीम 4 और फेनम 100। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 430 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। CH-47 चिनूक, मिलमी 17, HL ध्रुव, HL चेतक और HL चीता। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इनरोल के लिए लगभग 55 एयरक्राफ्ट्स ही मौजूद है, जिसमें है MI-17 और AW-139। तो साल 2023 में जो ओवरऑल एज है वो इंडियन एयरफोर्स के पास ही होने वाला है। ये थी आज की वीडियो, तो यार देखा ये पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला था, जिसमें आपको पता है कि भाई पाकिस्तान हालांकि वो अपने बजट पे काफी ज्यादा पैसे लगाता है जो डिफेंस का होता है, लेकिन एयरफोर्स पे इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाता। इंडिया अपने एयरफोर्स पे काफी ज्यादा जो है ना वो पैसे लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काफी ज्यादा राफेल, सुखोई, तो पता नहीं कौन कौन से जो है ना फाइटर जेट मौजूद है। हमारे पास जो ज्यादातर मेड इन चाइना है ना, जिसको आप सब बोलते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो चीज है। मतलब कि अगर फर्ज करें ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें ना ऐसे एयरक्राफ्ट को यूज करना पड़े, लेकिन वो अगर चले ही ना उस टाइम पे, तो लगे लगाए पैसे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। चाइना की वो बनाई हुई चीजों पे भाई बोलते हैं कि कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया के पास मेड इन इंडिया भी है और मेड इन वो जो है ना रशिया और मतलब इंडिया का जो आपस में वो मिलकर बनाते हैं वो भी है, और उसके बाद अमेरिकन भी उनके पास काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद है। हमारे पास भी अमेरिका के मौजूद है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो है ना वो चाइना के हैं। चाइना से हम जो ठगे जाते हैं वो हमें अच्छा बड़ा खासा जो है ना वो लूटता है भाई पाकिस्तान को जो है ना। मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था JF-17 पे, मैंने कहा कि ये मेड इन जो है ना चाइना है, तो लोग बोलते हैं भाई ये मेड इन चाइना नहीं है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों के कमेंट्स थे कि पाकिस्तान और चाइना का जो है ना वो मतलब मिलकर उन दोनों ने बनाया, तो लोगों को बड़ा बुरा इस चीज का लगा था मैंने बोला। तो हालांकि है ही वो मेड इन चाइना, तो मैंने फिर वही बोलना था ना, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं भाई पाकिस्तान में बनाया गया चाइना की मदद से, पाकिस्तान ने भी उस पर अपना जो है ना पूरा हिस्सा दिया। हमें कैसी वीडियो बनी यारे, तो थे कैपेसिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इनकी बढ़िया, इसमें आप मतलब जंग की सूरत हाल जब बन गया तो आप को यूज करना पड़े तो आप काम आ सके। हाँ बहुत ज्यादा भाई हर एक के लिए जरूरी होते हैं, तो दोनों की एयरफोर्स काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन इंडिया के हमसे आगे आप सबको पता ही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताना।